पूर्व केंद्र मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता यशवंत सिन्हा ने पार्टी को झटका देते हुए टीएमसी का दामन थाम लिया है। माना जा रहा है कि यशवंत सिन्हा भाजपा से काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। वे कई बार अलग अलग मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। जब एक तरह से मैंने दलगत राजनीति से, पार्टी पॉलिटिक्स से अपने को अलग कर लिया था, तो फिर मैं पार्टी में शामिल होकर क्यों एक्टिव हो रहा हूं? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश जो है वो एक बहुत अद्भुत परिस्थिति से आज के दिन गुजर रहा है। बहुत अद्भुत परिस्थिति इसलिए है कि अभी तक जिन वैल्यूज को, जिन मूल्यों को हम बहुत महत्व देते थे और ये सोच के चलते थे कि इस पर सब कोई अमल करेगा ही हमारे प्रजातंत्र में, आज वो मूल्य खतरे में हैं और उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। हम सब परिचित हैं इस बात से कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। आज लगभग हर इंस्टीट्यूशन, जो संस्था है प्रजातंत्र की, वो कमजोर हो गई है और मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उसमें देश की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो भी शामिल होती है। इसलिए सरकार के मनमानेपन के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई बचा ही नहीं। तो हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप हर 5 साल पर चुनाव करा दें, लोगों को वोट देने का अवसर दें। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जो सरकार बनती है, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो 24/7 के बेसिस पर जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे कि किसी को कोई चिंता नहीं है। आज इस देश का किसान उद्वेलित है। जो किसान पैदा करता है, जो हम खाते हैं, अन्नदाता है, वह दिल्ली के सरहद पर बैठा हुआ है और किसी को कोई चिंता नहीं। मजदूर पलायन करके रोजी रोटी की तलाश में गए, फिर किस परिस्थिति में पैदल वापस होने के लिए मजबूर हुए, वो दृश्य हम सब लोगों ने देखा है। आज वो भी त्रस्त है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब आज दुर्दिन से गुजर रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार का आज के दिन, और खास करके जो रूलिंग पार्टी है, उसका एक ही मकसद है। वो मकसद है किसी तरह चुनाव जीतो, जहां कहीं चुनाव हो, जिस स्तर पर चुनाव हो, उस चुनाव को जीतना जरूरी है। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मैं तो अटल जी की सरकार में मंत्री था, तो मैंने उस पार्टी को क्यों छोड़ा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अटल जी के समय की पार्टी और आज की पार्टी में आसमान जमीन का अंतर है। अटल जी कंसेंसस में विश्वास करते, आज की सरकार क्रश करने में विश्वास करती है। अटल जी लोगों को कोऑप्ट करते थे,
आज की सरकार लोगों को कॉन्कर करना चाहती है, उनके ऊपर जीत हासिल करना चाहती है। आप अटल जी के समय का देखें, जो नेशनल कोएलिशन उन्होंने बनाया था, तो जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, पंजाब में अकाली दल, हरियाणा में चौटालास, उसके बाद आप आइए महाराष्ट्र में शिवसेना, कर्नाटक में जनता दल एस, तमिलनाडु में कभी अन्ना डीएमके या डीएमके, आंध्र प्रदेश में टीडीपी, ओडिशा में बीजू जनता दल, बंगाल में ममता जी, असम में असम गण परिषद, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी। उन्होंने एक नेशनल कोएलिशन सच माने में बनाया, और ये कभी उनकी इच्छा नहीं रही कि इनको दबा दो, इनको बर्बाद कर दो, और वो जो स्पेस खाली होता है उसको स्वयं के लिए ले लो। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ कौन है खड़ा? अकाली दल छोड़ चुका, शिवसेना छोड़ चुकी, बाकी जितने नाम हमने लिए कोई भी आज साथ नहीं है। हाँ, अकाली छोड़ गए जो सबसे पुराने सहयोगी थे, बीजेपी चली गई। तो एक नीतीश कुमार जेडी यू को छोड़कर बिहार में है, उनके साथ कोई महत्वपूर्ण पार्टी आज के दिन नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि उनके साथ वो रहने के काबिल ही नहीं है। इसलिए एक बहुत गंभीर लड़ाई आज जो देश में चल रही है, वो गंभीर लड़ाई केवल चुनाव की लड़ाई नहीं है, केवल राजनीति की लड़ाई नहीं है, वो देश की स्मिता की रक्षा, देश में जो प्रजातंत्र है उसकी रक्षा की लड़ाई में बदल चुकी है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी इसमें विश्वास रखते हैं कि देश में प्रजातंत्र कायम रहना चाहिए, उनको इकट्ठे आने की जरूरत है। ममता जी और हमने साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम किया था। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज, उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था, और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी, तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर, और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी, और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। तो आज ऐसी सारी ताकतों को इकट्ठे आने की जरूरत है। बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस बहुत थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापस आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि उस थंपिंग मेजॉरिटी को और थंपिंग बनाए, और बंगाल से एक संदेश जाए पूरे देश में कि देश अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कुछ मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे हैं उसको देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसका पहला टेस्ट यहां पर है। आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले कह के गए थे कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, तो मुझे कोई शक नहीं है कि बंगाल के भविष्य के लिए ये चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण ही है, देश के भविष्य के लिए भी ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, और 2024 का जो परिवर्तन का रास्ता है दिल्ली में वो आज बंगाल से होके गुजरेगा। तो इसलिए
मैंने ये सोचा कि आज का ये वक्त जो है वो बहुत ही विशेष है, और आज मुझे जो भी छोटी मोटी ताकत मेरे पास है उसको हमको जोड़ना चाहिए तृणमूल कांग्रेस के साथ और मिल के काम करना चाहिए। और इसलिए बहुत सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दूर से नहीं बल्कि पास से, अलग रहकर नहीं बल्कि शामिल होकर मुझे तृणमूल कांग्रेस को और मजबूत करना चाहिए। बंगाल में इस चुनाव में, पूरे देश में, ताकि दिल्ली में 2024 का परिवर्तन संभव हो सके। तो ये मैं अपनी तरफ से आपसे कहना चाहता था। मैं आभारी हूँ अपने सारे वरिष्ठ साथियों का और विशेषकर ममता जी से, क्योंकि उनसे हमारी सुबह मुलाकात हुई, बहुत लंबी मुलाकात हुई, लगभग 45 मिनट हम लोग रहे साथ और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उसी से थोड़ी देर हो गई यहाँ आने में। तो मैं अपने सारे साथियों का, विशेषकर ममता जी के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका आज के दिन दिया है। बहुत धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।